अब यहाँ पर शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स। रिवीजन मॉड्यूल है ये यहाँ पर, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो कि आपका सॉइल मैकेनिक्स पहली बार स्टडी कर रहे हैं, ये उन लोगों के अभी रिसेंट में जो एग्जाम्स आने वाली है उनमें अपियर करने वाले हैं। सो यहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर आपका स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स है, तो सबसे पहले स्लोप्स कितने अलग अलग तरह के होते हैं। यहाँ पर दो तरह के आप स्लोप्स स्टडी करते थे, पहला था इनफाइनाइट स्लोप्स। इनफाइनाइट स्लोप्स में आप ये अज्यूम करते थे कि जो फेलियर सरफेस है वो एक प्लेन सरफेस होगा, दैट विल बी पैरेलल टू द स्लोप। वहीं यहां पर जो फेलियर होगा उस फेलियर को हम लोग अज्यूम करते थे एज अ ट्रांसलेशनल फेलियर होगा। वहीं इसके अलावा अगर मैं किसी भी फाइनाइट स्लोप की बात कर रहा हूं, तो वहां पर जो पर्टिकुलर फेलियर रेज्यूम किया जाता था वो फेलियर रेज्यूम किया जाता था कि भाई ये जो फेलियर सरफेस है वो एक कर्व्ड फेलियर सरफेस है जिसका भी शेप सर्कुलर होता था फॉर द सी सॉइल, जबकि इसी का शेप लिया जाता था एज द लॉग स्पायरल फॉर द सी फाई सॉइल। लेकिन यहाँ पर जो फेलियर होगा सॉइल इस तरह से घूमेगी, जिसके लिए हम लोग बोल देते थे कि यहाँ पर जो फेलियर होगा दैट विल बी आवर रोटेशनल फेलियर। इन्फिनाइट स्लोप्स के लिए एग्जांपल्स हो जाते थे आपका डैम का स्लोप हो सकता है, या फिर हो सकता है कोई हिल या माउंटेन का स्लोप हो, या इवन सैंड्यून्स को भी हम लोग यहाँ पर इन्फिनाइट स्लोप्स एज्यूम कर लेते थे। जबकि फाइनाइट स्लोप्स की बात करें तो इसमें एग्जांपल्स के तौर पे आप लोग याद रखते थे कैनाल का स्लोप, रोड्स या फिर रेलवेज को कंसिडर किया जा सकता है। रोड्स और रेलवेज के एम्बैंकमेंट्स को भी आप फाइनाइट स्लोप में काउंट कर लेते हो। यहाँ पर क्योंकि स्टेबिलिटी स्टडी करनी है, स्टेबिलिटी स्टडी करने के लिए आपको यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी के अलग अलग फॉर्मुलेज याद करने पड़ते थे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो जनरल फॉर्मूला था दैट वॉज विद रिस्पेक्ट टू द शियर स्ट्रेंथ, और क्योंकि मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ जो होगी जिसपे फेलियर होगा दैट विल बी एस, और अभी फिलहाल जो वैल्यू है दैट इज टाउ। सो इस तरह से अगर मैं एस की भी यहाँ पर इक्वेशन लिख देता हूँ तो ये इक्वेशन बन जाती थी एस सिग्मा एन डैश टेन फाइव डैश प्लस सी डैश अपॉन टाउ। तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी का पहला फॉर्मूला हो जाता था। बट अगर मान ले आपकी जो सॉइल है वो ड्राई होगी तो यहाँ पर डैश डैश लगाने की जरूरत नहीं होगी, आप टोटल पैरामीटर्स ले सकते हो। बट अगर मान ले आपकी जो सॉइल है दैट इज सी सॉइल अगर हुई तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी अपॉन टाउ। बट अगर मान ले आपकी फाई सॉइल है मतलब कोहेजन लेस सॉइल है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा एन टेन फाई अपॉन टाउ। वहीं इसके अलावा जो दूसरा फॉर्मूला था दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वर्टिकल कट, और हम लोगों ने बात करी थी मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वर्टिकल कट इज 2hc, वेयर एज अभी फिलहाल जो भी डेप्थ होगी उससे आप डिवाइड करके फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट कर सकते हो। वहीं इसके अलावा फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट द पाइपिंग अगर मैं चेक करूँ तो फेलियर होगी, पाइपिंग होगी एट IC, और फिलहाल जो भी ग्रेडियंट है उससे आप डिवाइड कर लोगे। इसके अलावा यहाँ पर मोबिलाइज्ड वैल्यूज के रिस्पेक्ट में भी आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करते थे, जैसे कि मोबिलाइज्ड वैल्यू के रिस्पेक्ट में आप कैलकुलेट कर रहे हो तो अल्टीमेट वैल्यू ऑफ सी इज CU, जबकि मोबिलाइज्ड वैल्यू इज CM। सिमिलरली ये तो आपने कोहेजन के रिस्पेक्ट में निकाला, अगर वैसे ही मोबिलाइज्ड वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल रहे हो आप तो मैक्सिमम हो सकता है 10 φ u रेजिस्टेंस ड्यू टू द फ्रिक्शन, जबकि अभी फिलहाल जो भी होगी वैल्यू 10 φ m होगी। m इज मोबिलाइज्ड वैल्यू whereas u इज द अल्टीमेट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। सो ये था हमारे फॉर्मुलेज, जनरल कुछ फॉर्मुलेज थे फॉर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बट अगर हम लोग यहाँ पर और अगर थोड़ा सा चेक करें कि अगर मान लें इन्फिनाइट जो स्लोप है, इन्फिनाइट स्लोप के लिए फॉर्मुलेज क्या होते थे, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो ड्राई स्लोप था उसके लिए जो फॉर्मूला बना था दैट वॉज सिग्मा एन डैश टेन फाई डैश प्लस सी अपॉन टाउ। यहाँ पर सिग्मा एन की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी एज गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा, वेयर एज टाउ की वैल्यू निकाली थी एज गामा जेड कॉस बीटा साइन बीटा। ये वैल्यूज अगर आप इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो आपको इजीली यहाँ पर फॉर्मूला मिल जाएगा एज गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा इंटू 10 φ प्लस सी। ये एक ऐसी सॉइल के लिए होगी जिसमें ना ही आपका सी जीरो है और ना ही फाई जीरो है। तो ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया फॉर द सी फाई सॉइल। बट अगर मान लें आपकी सॉइल कोहेजन लेस है तो फॉर्मूला बन जाता था एज 10 φ अपॉन 10 बीटा। सो ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है दैट इज फॉर द फाई दैट इज कोहेजन लेस सॉइल, जबकि ऊपर वाला जो पर्टिकुलर फॉर्मूला था दैट वाज फॉर द सी फाई सॉइल। सिमिलरली अगर सी सॉइल होगी तो उसके लिए भी फॉर्मूला आप इजीली डिराइव कर सकते थे। वहीं इसके अलावा अगर मान लें सबमर्ज्ड स्लोप है तो सबमर्ज्ड स्लोप में जहां आप लोगों ने गामा डी लिखा है वहीं आप गामा की जगह आप लिख लोगे गामा सबमर्ज्ड, इसलिए फॉर्मूला सेम रहेगा, बस गामा डी की जगह गामा सबमर्ज्ड हो जाएगा। सो कॉस स्क्वायर बीटा इंटू 10 φ प्लस सी डैश लिखोगे आप यहां पर अपॉन गामा सबमर्ज्ड इंटू जेड कॉस बीटा साइन बीटा। यहाँ पर z क्या होगा तो z इज द डेप्थ ऑफ द
एज्यूम्ड फेलियर सरफेस, ये तो था फॉर सी फाई सॉइल, बट अगर मान ले आपकी फाई सॉइल है तो फॉर्मूला बन जाता था टेन फाई डैश अपॉन टेन बीटा। सो ये था फॉर द फाई सॉइल अंडर द सबमर्ज्ड कंडीशन। इसके अलावा फिर हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था फॉर द सीपेज स्लोप, सीपेज कंडीशन, दैट इज सीपेज इज ऑकरिंग पैरेलल टू द प्लेन ऑफ स्लोप। सो अगर मान लें यहाँ पर आप फॉर्मूला निकालते हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो फॉर्मूला था फॉर द फाई सॉइल ओनली दैट वॉज इक्वल्स टू वन माइनस गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच अपॉन गामा इफेक्टिव इंटू जेड इंटू टेन फाई अपॉन टेन बीटा। गामा इफेक्टिव क्या था, तो उसके लिए अगर यहाँ पर डायग्राम चेक करें, मान लेते हैं ये आपका स्लोप है जिसका एंगल आपको पता है बीटा है, और यहाँ पर ये है आपका फेलियर सरफेस जिसको आप एज्यूम करना चाह रहे हो, लेकिन यहाँ प्रेजेंट है आपका वाटर टेबल। तो यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो टोटल डेप्थ थी इसको आप लोग बोलते थे एज जेड, और ये जो डेप्थ थी उसको आप लोग बोलते थे एज एच। गामा इफेक्टिव क्या होगा, तो गामा इफेक्टिव पूरे जेड डेप्थ में अगर आप चेक करते हो तो जेड डेप्थ से पहले डिवाइड कर लेते हैं, ऊपर ऊपर में यूज करोगे गामा बल्क, तो गामा इंटू जेड माइनस एच, जबकि नीचे नीचे आप यूज करते थे गामा सेचुरेटेड इंटू स्मॉल एच। तो ये था आपका गामा इफेक्टिव का फॉर्मूला, जबकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी की फॉर्मूला ये था दैट इज फॉर द फाई सॉइल। सो ये कुछ फॉर्मूले थे आपके फॉर द इनफाइनाइट स्लोप। बट अगर मैं यहाँ पर फाइनाइट स्लोप की बात करता हूँ तो फाइनाइट स्लोप में कुछ अलग अलग हमारे थ्योरीज थी। फाइनाइट स्लोप में यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जो पहली थ्योरी थी दैट वाज द स्वीडिश मेथड ऑफ सर्कल और स्वीडिश मेथड ऑफ स्लाइसेस। स्वीडिश मेथड ऑफ स्लाइसेस ये अज्यूम करता था कि अगर मान लिया आपका ये है आपका फाइनाइट सरफेस, तो यहाँ पर जो आपका फेलियर सरफेस होगा वो एक सर्कुलर फेलियर सरफेस होगा। सर्कुलर फेलियर सरफेस के अलावा इसका जब हम लोगों को कैलकुलेशंस करनी है, स्टडी करनी है, तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग इस तरह के पैरेलल वर्टिकल कॉलम्स में इसको डिवाइड कर देते थे, और ये अज्यूम करते थे कि यहाँ पर जो भी फेलियर होगा दैट विल बी ड्यू टू द रोटेशन, तो इस डायरेक्शन में जो भी फोर्सेज होंगे उसके कारण यहाँ पर आपका ओवरटर्निंग मोमेंट एक्ट करेगा, जबकि इस डायरेक्शन में जो भी मोमेंट्स होंगे दैट विल बी योर रेजिस्टिंग मोमेंट्स। सो यहाँ पर आपका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला ये रहेगा कि रेजिस्टिंग मोमेंट को डिवाइड करोगे आप बाय द ओवरटर्निंग मोमेंट्स, लेकिन फाइनल जो फॉर्मूला बनता था अकॉर्डिंग टू द स्वीडिश मेथड ऑफ सर्कल दैट वॉज सी इंटू आर इंटू थीटा आई प्लस एन आई अपॉन टी आई। समेशन लिखेंगे आई इक्वल्स टू वन टू एन, वेरस यहां पर भी समेशन लिखोगे आई इज इक्वल्स टू वन टू एन। ये फॉर्मूला था दैट वॉज फॉर द सॉइल दैट हैव बोथ सी एंड फाई। यहां पर यह भी बात ध्यान रखने वाली थी कि जो आप यहां पर फॉर्मूला लिख रहे हो उसमें एन आई के साथ मल्टीप्लाई होता था टेन फाई, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है ये टर्म थी फॉर द फ्रिक्शन, जबकि ये वाली जो टर्म थी दैट वॉज फॉर द कोहेशन। सो फॉर्मूले को यहाँ पर याद रखेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट कोई सवाल अभी तक नहीं मिला था हमें। हाँ बिल्कुल, इस कंसेप्ट को जरूर यहाँ पर यूज़ किया है आपके गेट में बहुत बार। आगे बढ़ते हैं, फ्रिक्शन सर्कल मेथड जो था वो आपको बताता था कि अगर मान ले आप इस तरह का एक स्लोप स्टडी कर रहे हो, तो इस स्लोप में आप जब फेलियर सरफेस एज्यूम करोगे तो फेलियर सरफेस आपके पूरी सॉइल को दो सॉइल मासेस में डिवाइड कर देगा, इन दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, जिसकी लाइन ऑफ एक्शन को अगर हम लोग चेक करें तो वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी इक्वल्स टू फाई, और यही अगर लाइन ऑफ एक्शन को आप आगे चलकर एक्सटेंड करते हो तो मान लेते हैं ये आपके फेलियर सरफेस का सेंटर था, तो इसी सेंटर वाली एक और सर्कल का ये लाइन ऑफ एक्शन आगे चलकर टेंजेंट बन जाता था। दैट मींस द स्टेटमेंट ऑफ द फ्रिक्शन सर्कल मेथड वाज दैट इफ द एज्यूम्ड फेलियर सरफेस इज डिवाइडिंग द टोटल सॉइल स्लोप इनटू टू सॉइल मासेस एंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू सॉइल मासेस विल बी एक्टिंग इन अ डायरेक्शन सच दैट द लाइन ऑफ एक्शन विल मेक एन एंगल ऑफ फाई विद द नॉर्मल एंड विल बिकम टेंजेंट टू अनदर स्मॉलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस। ये जो छोटा सा स्मॉलर सर्कल है इसका रेडियस कितना होगा आर साइन फाई, जबकि यहाँ पर आर क्या है तो आर ये पूरे बड़े फेलियर सरफेस का रेडियस होगा। इसके अलावा फिर आगे हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि टेलर स्टेबिलिटी नंबर क्या होता है। टेलर स्टेबिलिटी नंबर का अगर फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा द टेलर स्टेबिलिटी नंबर एस एन वॉज गिवन बाय सी अपॉन गामा इंटू एच सी, दैट कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज गामा इंटू एफ ओ एस इंटू जेड। यहाँ पर यह भी बात ध्यान रखने वाली थी कि जो गामा लेंगे वो गामा क्या होगा, जैसे कि अगर मान ले ड्राई सॉइल है तो आप जो गामा लेते थे दैट वॉज गामा डी,
वहीं अगर मान ले जो सॉइल है वो आपकी सबमर्ज्ड सॉइल है, डूबी हुई सॉइल है, तो उसके लिए आप लोग गामा की जगह ले लेते थे गामा सबमर्ज्ड। बट अगर मान ले आपकी जो सॉइल है दैट इज कैपिलरी सेचुरेटेड है, तो उसके लिए अगर आप गामा सेचुरेटेड कैलकुलेट करते थे। बट अगर मान ले सडन ड्रॉडाउन हो गया हो किसी सॉइल में, तो उसमें भी आप ले लेते थे एज अ गामा सेचुरेटेड। तो जो भी आपके न्यूमेरिकल्स आए अभी तक टेलर स्टेबिलिटी नंबर पे, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, और ये ध्यान रखना होगा कि कब कौन सी कंडीशन के लिए कैसा गामा आपको यूज करना है। सो यहाँ खत्म होता है हमारा एक और टॉपिक, दैट वाज द स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स। आगे बढ़ेंगे, अगला जो पर्टिकुलर टॉपिक बच जाता है हम लोगों का, दैट इज द फाउंडेशन इंजीनियरिंग ऑफ सॉइल।